हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज बात करेंगे सेट नंबर 9 की, बात करने वाले रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अपनी सीरीज चल रही है गाइज, चैनल पे विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट के अंदर गाइज आपको अलग अलग सब जो भी प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट वो बनी हुई मिल जाएगी, चाहे आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू हो, जीके हो, साइंस हो, या गाइज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे साइंस हो चाहे मैथ हो। तो गाइज आज शुरुआत कर लेते हैं अपन 201 नंबर क्वेश्चन के साथ में, आगे बढ़ेंगे उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज। गाइज क्वेश्चन नंबर 201 सिंपल सा न्यूमेरिकल है गाइज, एग्जाम में फिर से पूछा जाने की संभावना है। न्यूमेरिकल कहता है गाइज आपका, देखिएगा सोल्व कीजिएगा साथ साथ में आप लोग भी। एक सर्किट है गाइज आप लोगों के पास में, कोई भी सर्किट मान सकते हो गाइज आप, जिसके अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दो कूलम आवेश प्रवाहित होता है। गाइज पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, दोनों पॉइंट के बीच में गाइज जो चार्ज फ्लो होता है वो चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है 2 कूलम। गाइज यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है, गाइज इन दोनों के बीच में गाइज जो वोल्टेज लगा है, वोल्टेज की वैल्यू गाइज आपको दे रखी है 5 वोल्ट। ओके, तो किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी? सिंपल सी बात है गाइज, यहाँ पे आपको क्यू की वैल्यू 2 कूलम दे रखी है, वोल्टेज की वैल्यू गाइज आपको 5 वोल्ट दे रखी है, आपसे कार्य की वैल्यू पूछी गई है। ओके गाइज, जो विभवांतर की डेफिनेशन होती है गाइज, विभवांतर की डेफिनेशन क्या कहती है, वोल्टेज डिफरेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? यदि गाइज आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को प्रवाहित करते हो या आवेश को ट्रांसफर करते हो, तो गाइज क्या क्या कार्य होता है दोनों के बीच में विभवांतर के बराबर होता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू से दिया जाता है। वी यहाँ पे आपका वोल्टेज डिफरेंस हो गया, डब्ल्यू गाइज यहाँ पे किया गया कार्य हो गया एक बिंदु से दूसरे बिंदु लाने में, क्यों आपका चार्ज की वैल्यू हो गई। गाइज ये नॉर्मल इसका मेन फॉर्मूला बनता है, इस फॉर्मूले से गाइज आपका किया गया कार्य हो जाएगा डब्ल्यू बराबर वी डॉट क्यू हो जाएगा। वी की वैल्यू गाइज आपको 5 दे रखी है, क्यों की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, 5 × 10 हो जाएगा गाइज। कार्य की जो यूनिट होती है गाइज वो होती है जूल। तो गाइज करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के साथ में, 10 जूल आपको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में गाइज एक कोई भी परिपथ उसमें गाइज एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गाइज यदि आप एक चार्ज जिसकी वैल्यू 2 कूलम है उसको ट्रांसफर कर रहे हो, तो गाइज वोल्टेज डिफरेंस की वैल्यू 5 वोल्ट है, तो गाइज आपका जो कार्य होगा वो हो जाएगा 10 जूल ऑप्शन नंबर 1। सिंपल सी बात है गाइज, यहाँ पे आपको सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू का, जहाँ पे वी आपका वोल्टेज डिफरेंस है, डब्ल्यू आपका कार्य है, क्यों आपकी वैल्यू चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते गाइज, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ट्राइप्लोब्लास्टिक नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। गाइज यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो इसका मतलब होता है 3 एम्ब्रियोनिक सेल्स या 3 भ्रूणीय कोशिका से मिलकर यदि कोई चीज़ बनती है तो उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 भ्रूणीय कोशिका के लेवल से मिलकर यदि कोई चीज़ बनती है तो उसको कहते हैं अपन ट्रिप्लोब्लास्टिक। गाइज इसके अंदर अपन मैं बात करूँ तो गाइज यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर चलेगा गाइज, यदि कोई भी बॉडी है जिसको अपन ड्राइव्ड करते हैं 3 एम्ब्रियोनिक सेल लेयर के द्वारा, 3 भ्रूणीय कोशिका लेयर के द्वारा यदि अपन उसको ड्राइव करते हैं, 3 आपकी एम्ब्रियोनिक सेल लेयर कौन सी होगी? एक तो होगी एक्टोड्रम, एक होगी मेजियोड्रम, एक होगी एंडोड्रम। ठीक है, यानी बाहर वाली, बीच वाली और अंदर वाली। इस प्रकार से यदि 3 प्रकार की लेयर से अपन किसी भी बॉडी को ड्राइव करते हैं किसी भी बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर, ठीक है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, स्पंज और कोलेंट्रेट्स। यदि कोई भी बहुकोशिकीय प्राणी है उसके अंदर का यदि उसकी बॉडी को डेराइव किया जाता है 3 एम्ब्रियोनिक कोशिका लेयर के द्वारा, जो कोशिका लेयर आपकी 3 एम्ब्रियोनिक कोशिका लेयर कौन सी होगी, एक्टोड्रम, मेजोड्रम एंड एंडोड्रम, तो वो कहलाती है आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे एक आपका जो जेलीफिश है एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इमेज के अंदर, गाइज ये आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, बाकी आपकी जो भी है चाहे आपका प्लानेरिया हो, चाहे एस्केरिस हो, चाहे कैंचुआ हो, सभी के सभी आपकी जो एग्जाम्पल है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी इनकी जो बॉडी है 3 कोशिका लेयर से मिलकर बनी हुई है गाइज। तो यहाँ पे जेलीफिश हो जाएगा अपना आंसर, जो 3 कोशिका लेयर से मिलकर बनी हुई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण अपना इस तरीके से बनता है गाइज, उत्तल दर्पण अपना इस तरीके से बनता है। अवतल का मतलब होता है गाइज कनकेव की बात हो रही है, आपके पास में गाइज एक कनकेव मिरर है, उसके वक्रता केंद्र पर यदि आप कोई भी वस्तु रखते हो गाइज, ये आपका ये हो गया गाइज मेरा कनकेव मिरर। ओके गाइज, इस कनकेव मिरर के अंदर गाइज ये मेरा पी ओ यानी पॉल हो गया गाइज, यहाँ पे मेरा एफ हो गया, एफ यानी फोकस हो गया गाइज, यहाँ पे सी हो गया, सी का मतलब सेंटर हो गया, या जिसको अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, ये जो कर्वेचर पे कनकेव मिरर हो गया यानी सी की बात हो रही है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी है गाइज, यहाँ पे यदि आप एक वस्तु रख रहे हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा गाइज, आपको बताना कि इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनने वाला है। तो गाइज इसका जो प्रतिबिंब है वो यहीं पे बनने वाला है, इसी तरीके से आपके पास में वो प्रतिबिंब बनेगा। किस तरीके से बनेगा गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरी इमेज मैंने यहाँ पे ले रखी है। फर्स्ट गाइज आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से गाइज आपकी जो पहली रे है वो जाएगी यहाँ पे, यहाँ से टकराने के बाद में गाइज वो एफ से होती हुई निकलेगी, फर्स्ट कंडीशन एफ से होते हुए निकलेगी।
दूसरी कंडीशन है गाइज, जो दूसरी रे है वो आपकी सीधी ऐप से जाएगी और गाइज यहाँ से टकराने के बाद में ये जो प्रिंसिपल अक्ष है इस प्रिंसिपल अक्ष के बिल्कुल पैरेलल चलेगी। इस तरीके से दोनों लाइनें यहाँ पे मिलेगी तो गाइज यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट का डिजाइन हो जाएगा, इमेज यहाँ पे आपकी बनेगी। तो गाइज आपकी जो इमेज बनने वाली है वो कहाँ पे बनेगी, सेम आपके वक्रता केंद्र पर बनेगी। यदि गाइज आप सी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो आपकी जो इमेज बनने वाली है वो यहीं पे बनेगी। तो गाइज ये इमेज अपन किस तरीके से बनाते हैं, सिंपल सा एक ही फॉर्मेट है गाइज। सबसे पहले आप एक पैरेलल लाइन खींचेगा और पैरेलल लाइन को आप गाइज यहाँ से रिफ्लेक्स कर दीजिएगा और वापस ऐप से गुजार दीजिएगा, पहली हो गई। दूसरी गाइज यहाँ पे दूसरी कंडीशन, यहाँ से ऐप से गुजारेगा और यहाँ से टकराने के बाद इसके बिल्कुल पैरेलल कर दीजिएगा और गाइज ये दोनों जहाँ पे भी मिलती है आपके इमेज का निर्माण हो जाएगा। तो गाइज यदि आप सी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो आपकी जो इमेज बनने वाली है अवतल के अंदर वो यहीं पे बनने वाली है, वक्रता के अंदर पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन का, जब दिए गए ऑप्शन में से कौन सा उभयलिंगी फूल है। उभयलिंगी फूल का मतलब यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसका मतलब क्या हो गया गाइज, ये आपका जो एक फ्लावर है उसी के अंदर का आपका मेल पार्ट है और उसी के अंदर आपका फीमेल पार्ट है, यानी दोनों के दोनों यदि एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर या उभयलिंगी, जिसके अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो देखिए ऑप्शन में से गाइज आपका जो करेक्ट आंसर जाने वाला है वो जाएगा मस्टर्ड के साथ में, यानी सरसों। उभयलिंगी फूल है, आंसर बनेगा सरसों, आपका एक उभयलिंगी फूल का एग्जांपल है जिसके अंदर आपका मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी दोनों प्रेजेंट होते हैं। बाकी एग्जांपल्स की बात करें तो गाइज आपका लिली हो गया, रोज यानी गुलाब हो गया, सन फ्लावर हो गया गाइज आपका, ट्यूलिप हो गया, डेफोडिल हो गया, सब मैंने यहाँ पर लिख रखे है, देखिएगा लिली, रोज, सन फ्लावर, ट्यूलिप, डेफोडिल, मस्टर्ड या ब्रिंजल, हिबिस्कस, टोमेटो, लॉन्ग बीन, चिल्ली, ठीक है, ये सब के सब आपके जो एग्जांपल्स हैं, मैंगो हो गया, तो ये सब के सब आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जांपल हैं, यानी गाइज इनके अंदर आपके मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, पानी के एक मोल के अंदर कितने अणु मौजूद होते हैं। गाइज चाहे पानी का एक मोल हो चाहे किसी भी एक चीज़ का एक मोल हो, उसके अंदर जो अणुओं की संख्या है वो बराबर रहने वाली है। चाहे पानी का एक मोल हो चाहे गाइज कोई भी अलग यौगिक हो उसका एक मोल हो, तो उसके अंदर गाइज एक मोल अणुओं की संख्या बिल्कुल बराबर रहने वाली है। तो गाइज आंसर बनेगा यहाँ पे 6.02 × 10³, 10³ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका यहाँ पे है सिंपल सा न्यूमेरिकल गाइज, यहाँ पे गाइज न्यूमेरिकल में समथिंग मुझे मिस्टेक लग रही है, यहाँ पे आपका कह रहा है कि तीन प्रतिरोध को समांतर रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है और यहाँ पे कह रहा है कि टू आइडेंटिकल रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, तो गाइज यहाँ पे पता नहीं किसकी हो रही है। तो गाइज अपन इंग्लिश वाले को सही मानेंगे, हिंदी वाले को नहीं पढ़ेंगे। तो गाइज इंग्लिश वाले को मानते हुए अपन सॉल्व करते हैं। टू आइडेंटिकल रजिस्टर्स ऑफ 20 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, गाइज एक 20 ओम का ये रहा और दूसरे 20 ओम का गाइज ये रहा, इन दोनों को गाइज मैं यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ, क्लियर है, पैरेलल कनेक्ट हो चुका। दिस कॉम्बिनेशन इन टर्न इज कनेक्टेड टू ए 10 ओम रजिस्टर्स, गाइज ये जो आपका है उसको कनेक्ट किया जाता है एक 10 ओम रजिस्टर के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है, यहाँ पे दे रखा है ये जो कॉम्बिनेशन है इसको आप 10 ओम के साथ में कनेक्ट कर रहे हो, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, तो गाइज पॉइंट ए हो गया और पॉइंट बी हो गया, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टर कितना बनेगा। तो सबसे पहले इनमें 20 और 20 को सॉल्व करूँ तो गाइज इसका सिंगल बन जाएगा मेरे पास में 10 ओम बनेगा और गाइज यहाँ पे 10 ओम मेरे पास में ये कनेक्टेड है, तो गाइज ए और बी के बीच में गाइज जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनने वाला है वो बनेगा मेरे पास में 20 ओम। गाइज यहाँ पे 10 कैसे आया, क्योंकि ये जो 1/r इक्विवेलेंट है वो दिया जाता है आपका 1/r1 से प्लस 1/r2 से, दोनों का जो मेरे पास में वैल्यू सेम है तो डायरेक्ट मैं इनको इस तरीके से पकड़ सकता हूँ 20 × 20 / 20 + 20, ठीक है, तो 20 × 20 का जो मेरे पास में 400 हो जाएगा, ये मेरा 40 हो जाएगा गाइज, सिंपल सी बात है, मेरा यहाँ पे 10 आ गया। इन 20 × 20 के कारण गाइज मेरे पास में यहाँ पे 10 आ गया, 10 गाइज मेरे पास में यहाँ पे कनेक्ट था, सीरीज हो गया, तो गाइज 20 ओम इसका बिल्कुल सही जवाब निकलेगा, ठीक है, आंसर गलत आ रहा गाइज, इसका आंसर निकलने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। गाइज यदि अपन पैरेलल में कोई चीज़ कनेक्ट करते हैं तो उसका हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि 20-20 के दो पैरेलल थे, यानी 1/20 प्लस 1/20, गाइज एलसीएम 20 आया, यहाँ पे 1+1 हो गया, तो गाइज ये हो गया मेरा 2/20, ये हो जाएगा मेरा 1/10, तो गाइज नीचे था मेरा 1/r इक्विवेलेंट, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/10, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई ओनली 10, ओके, और ये दो r इक्विवेलेंट था ये 1 और 10 के साथ में कनेक्ट था, 1 और 10 के साथ में कनेक्ट था, तो इसलिए 10 + 10 का मेरे पास में वैल्यू आ गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सी धातु उसी तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ में प्रतिक्रिया नहीं करती। गाइज आप रिएक्टिविटी सीरीज की बात करोगे तो गाइज यहाँ पे आपको पोटेंशियम देखने को मिलेगा, बीच में आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, उसके नीचे गाइज आपको जैसे कि सिल्वर हो गया आपका, आपका गोल्ड हो गया, इस तरीके के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज आप देखोगे ये तो बहुत ही
कम रिएक्टिव आपका लिस्ट रिएक्टिव है यानी सबसे कम रिएक्टिव है, और पोटेशियम की बात करो तो गाइस आपका मोस्ट रिएक्टिव हो गया यानी सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया देने वाला। तो गाइस देखिएगा जो आपके सबसे कम प्रतिक्रिया वाले हैं उनके अंदर गाइस आपका सिल्वर आता है, आपका गोल्ड आता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगी, गाइस वो धातु है प्रतिक्रिया नहीं करेगी जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आप देखोगे जो आपके ऑक्सीजन से नीचे प्रेजेंट है। तो गाइस आप देखोगे तो ये सिल्वर और गोल्ड ये बहुत नीचे प्रेजेंट है यानी वो आपकी प्रतिक्रिया नहीं करेगी। तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका अपने को पता कैसे चलेगा, अपने को पता चलेगा गाइस प्रतिक्रिया श्रृंखला बोलते हैं जिसको हिंदी के अंदर, और इंग्लिश के अंदर बोला जाता है रिएक्टिविटी सीरीज, उससे अपने को पता चलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज से अपने को पता चलेगा। और गाइस मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलेगा आपका चाहे कॉपर हो गया या आपका जो सिल्वर हो गया, गाइस आपका जो गोल्ड हो गया, इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में। वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं क्या कहलाता है। जैसे कि गाइस मैंने कोई भी तो एसिड ले लिया, HCl ले लिया, मैंने कोई बेस ले लिया गाइस NaOH ले लिया, इन दोनों के गाइस मैंने रिएक्शन करवाई तो मेरे पास में एक तो साल्ट मिल गया, ओके, और गाइस मेरे पास में ये जल मिल जाएगा। तो गाइस ये जो रिएक्शन बन रही है आपकी ये किसका एग्जांपल है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने एसिड लिया, यहाँ पे मैंने बेस लिया, रिएक्शन करवा दी, तो गाइस बिल्कुल न्यूट्रल इक्वेशन बन चुकी है मेरे पास में, साल्ट मिल के बन चुका है और पानी मिल के बन चुका है। तो गाइस ये जो बिल्कुल इक्वेशन बन रही है मेरे पास में तो न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर बी उदासीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अम्ल और क्षार मिल गया आपका तो बिल्कुल उदासीन बन चुका आपका, उदासीन की वैल्यू होती है pH 7 होती है। उस अंग का नाम दे जो जहाँ पे भ्रूण विकसित होता है, गाइस एम्ब्रायो को भ्रूण बोला जाता है, तो गाइस बता दीजिएगा एम्ब्रायो कहाँ पे डेवलप होता है। सिंपल सा क्वेश्चन गाइस यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में यूट्रस। डेवलप पूछा गया कि कहाँ पे डेवलप होता है, गाइस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में यूट्रस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका यहाँ पे पूछा गया है इथेनॉल को किसके लिए विकृतीकरण होता है। इथेनॉल इज डी नेचर्ड टू, गाइस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक टर्म्स यहाँ पे नेचर्ड होता है, एक आपका डी नेचर्ड होता है। नेचर्ड का मतलब गाइस कोई चीज भी चीज़ आपकी बिल्कुल प्राकृतिक है, डी नेचर्ड का मतलब होता है उसको अप्राकृत कर दिया अपने। गाइस कोई भी चीज़ प्राकृतिक होगी नेचुरल होगी यानी गाइस वो ह्यूमंस के लिए यूजफुल है। डी नेचर्ड का मतलब होता है गाइस इथेनॉल को आप डी नेचर्ड कर रहे हो यानी उसको आप पीने योग्य नहीं बना रहे हो, यानी उसके अंदर कुछ केमिकल डाल रहे हो ताकि वो पीने योग्य नहीं बने आपका। तो गाइस आंसर बनेगा ऐसे, इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए, अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, यदि आप डीनेचर्ड कर दिया इसने यानी इसके अंदर आपने कोई ना कोई केमिकल बनाया, केमिकल डाला है, केमिकल डाल के गाइस आप इसको बिल्कुल अनसुटेबल बना रहे हो पीने के लिए, मेक इट अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, क्लियर है गाइस। डीनेचर्ड यानी आपने अनसुटेबल कर दिया पीने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। गाइस सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 32 यूनिट है, सल्फर की 60 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या कितनी होगी। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 यूनिट, द नंबर ऑफ मोल्स इन 16 ग्राम ऑफ सल्फर। बहुत ही सिंपल सा गाइस बता दीजिएगा क्या आंसर बनने वाला है। गाइस सल्फर की बात हो रही है, सल्फर है इसका गाइस जो आपका जो एटॉमिक मास है, मास दे रखा है आपको 32 यूनिट। गाइस इसका मतलब आपका 32 यूनिट मान सकते हो या 32 ग्राम मान सकते हो, इसका मतलब गाइस आपका 32 यूनिट है या 32 ग्राम बराबर गाइस आपका एक मोल है, क्लियर है। 32 ग्राम बराबर गाइस आपका एक मोल हो गया, तो 16 ग्राम की वैल्यू कितनी बनेगी आपकी, 16 ग्राम की वैल्यू बन जाएगी 0.5 मोल। ठीक है, क्योंकि 32 ग्राम इक्वल टू 1 मोल है तो 16 ग्राम बराबर हो जाएगा आधा मोल हो जाएगा, तो 0.5 मोल गाइस आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ब्लड के अंदर पाया जाने वाला क्या है जो शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। गाइस आपका जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर गाइस 45% आपके अलग चीज़ें होती है, 50% अलग होती है, 55% अलग होता है। तो गाइस आपको बताएगा कि कौन सी चीज़ है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है, ह्यूमन ब्लड के अंदर गाइस क्या पाया जाता है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है। गाइस आज अपन टॉपिक वाइज MCQ कवर कर चुके हैं, अपने जो एनिमल टिश्यूज है, एनिमल टिश्यूज या गाइस अपन जो जंतु उत्तक है उनको अपन कवर कर चुके हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो ब्लड आ रही है, ब्लड भी एक प्रकार का आपका कनेक्टिव टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब गाइस संयोजी उत्तक है। तो गाइस अपन जो टॉपिक वाइज कर रहे हैं गाइस बहुत बेनिफिट होने वाला है, साथ साथ में आप लोग देखते रहेगा, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा गाइस अपने कौन कौन सी प्लेलिस्ट बना ली है, कितने अपने वीडियो कर लिए हैं। तो गाइस अपन अच्छे से जंतु उत्तक पढ़ चुके हैं, प्लांट उत्तक अपन पढ़ चुके हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक दोनों पढ़ लिए अपने। आपका जो ब्लड होता है गाइस वो एक प्रकार का उत्तक होता है, और किस प्रकार का उत्तक है, जंतु उत्तक होता है, जंतु उत्तक में भी कौन सा उत्तक है गाइस आपका कनेक्टिव टिश्यूज होता है, संयोजी उत्तक होता है। जंतु उत्तक आपके चार प्रकार के होते हैं गाइस,
इस क्वेश्चन का आंसर जाने वाला गाइज आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ में आरबीसी। गाइज 100% आपका ब्लड हो गया, ब्लड के अंदर गाइज आपका 45% होता है, जो 45% होता है उसके अंदर आपका आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, उसी के अंदर आपका प्लेटलेट्स पाया जाता है गाइज। 55% होता है, 55% में गाइज आपका प्लाज्मा पाया जाता है, और प्लाज्मा में गाइज आपका जो 90% है वो हिस्सा आपका जल होता है। तो गाइज किस इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है कि जल का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है, तो गाइज आंसर बन जाएगा आपका ब्लड ही आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा गाइज आरबीसी के साथ में, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है आरबीसी। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पे जो अलैंगिक प्रजनन है लैंगिक प्रजनन से भिन्न है क्यों। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर्स फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दैट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गाइज कुछ आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कुछ आपके सेक्सुअल है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है गाइज। गाइज आंसर बच जाने वाला है यहाँ पे, जो आपके एसेक्सुअल होता है इसके अंदर गाइज जो नए जीव बनते हैं वो माता पिता के समान होते हैं, ठीक है। गाइज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा दो प्रकार का होता है गाइज, एक तो अलैंगिक होता है, एक आपके लैंगिक होते हैं, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस समझ लीजिएगा गाइज यहाँ पे। गाइज आपका जो लैंगिक होता है, लैंगिक को अपन क्या बोलते हैं सेक्सुअल, इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों हिस्सा लेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन्स के अंदर होता है। अलैंगिक प्रजनन के अंदर आप बात करोगे तो गाइज इसके अंदर ओनली एक ही भाग लेता है, और गाइज ये आपका 6 प्रकार से प्रोडक्शन करता है, ये अपना जो रिप्रजनन है वो 6 प्रकार से करता है, ठीक है। जैसे कि फिजन हो गया, बडिंग हो गया, स्पॉट फॉर्मेटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, और वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो गया। तो गाइज यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है जो एसेक्सुअल होता है जिसमें ओनली एक ही हिस्सा लेता है, चाहे मेल होगा या फीमेल, तो गाइज ये अपना जो रिप्रोडक्शन किस तरीके से करता है ये 6 प्रकार से करता है, या तो टूट के गिर जाएगा, मुकुलन हो जाएगा, या बीज का बनेगा, या फिर से जनरेशन करेगा, इस तरीके से आपकी 6 कैटेगरी है इसके, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इन केल्विन। गाइज रूम टेम्परेचर कितना होता है केल्विन के अंदर, कितना बनेगा गाइज रूम टेम्परेचर इन केल्विन। गाइज आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं आया क्या यहाँ पे, तो गाइज चलो अपन इसको सॉल्व करते हैं। गाइज यहाँ पे ऑप्शन नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। गाइज देखिएगा जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या गाइज 20 से लेकर 27 तक की जो रेंज होती है उसको माना जाता है आपका रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर माना जाता है गाइज 20 डिग्री सेंटीग्रेड ले लीजिएगा, आपको अप्रॉक्सीमेट 20 डिग्री सेंटीग्रेड ले लीजिएगा। वैसे गाइज अपन जो 20 से 27 तक की जो रेंज होती है इसको अपन मानते हैं रूम टेम्परेचर। तो गाइज मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेता हूँ, तो गाइज केल्विन में बदलूंगा तो 20 में मैं 273 ऐड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरा 293 केल्विन। अच्छा ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे कहीं पे, हैं सही है, ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ओके गाइज ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो गाइज इसका आंसर जाने वाला है यहाँ पे आपका 293 केल्विन। व्हाट इज द स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में पूछा गया गाइज, ठीक है। जैसे कि गाइज यहाँ पे देखिएगा आप रूम टेम्परेचर की बात करोगे, गाइज ये मेरा केल्विन आ रहा है, देखिएगा आपने 20 सेंटीग्रेड में कितना होता है गाइज, सेंटीग्रेड में होता है आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से गाइज थोड़ा मैं बड़ा करूँ, अच्छे से देख लीजिएगा आप, ये देखिएगा गाइज इस इमेज में देखिएगा गाइज ये जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर मेरा सेंटीग्रेड में आ रहा है 20, तो गाइज 20 में मैं 273 ऐड करूँगा, 20 में 273 ऐड करूँगा तो गाइज मेरा बन जाएगा 293 केल्विन। तो गाइज रूम टेम्परेचर मेरा केल्विन में कितना होता है, केल्विन में होता है मेरा 293 केल्विन। गाइज देखिएगा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, गाइज बॉडी टेम्परेचर मानव का होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो गाइज 37 में आप 273 ऐड करोगे तो गाइज आपका 310 चला जाएगा, ठीक है। गाइज यहाँ पे टर्म्स देखिए गाइज, आपका जो वाटर बॉयल होता है, वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो गाइज केल्विन में जाओगे तो 373 हो जाएगा क्योंकि 273 ऐड होता है, ठीक है। गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, इस स्लाइड को मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है आप लोगों के लिए। ओके गाइज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सब, तो आप गाइज यहाँ पे एक कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन में आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख रखा है सी बटे 5 इक्वल टू होता है एफ माइनस 32 अपन में 9 इक्वल टू होता है गाइज के माइनस 273 अपन में 5 इक्वल टू आर बटे 4। आर का मतलब है र्यूमर, र्यूमर भी गाइज टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है आपका, ठीक है। सी बटे 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपन में 9 इक्वल टू के माइनस 273 अपन में 5 इक्वल टू आर बाई 4। ओके गाइज तो इस क्वेश्चन का गाइज आंसर क्या बनने वाला, आंसर बनेगा आपका 293 केल्विन, 293 केल्विन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा गाइज इस क्वेश्चन का। ओके गाइज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कौन सा गुण क्षार का नहीं है? बेस का, क्षार का कौन सा गुण नहीं है? क्षार आपका स्वाद में कड़वा होता है क्या गाइज? गाइज क्या वो लाल को नीले में बदल देता है? क्षार है आपका लाल में, लाल को नीले में बदलेगा, वो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उनको न्यूट्रल कर देते हैं। ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव भिड़ेंगे तो न्यूट्रल ही होगा, इसी प्रकार से अम्ल और क्षार भिड़ेंगे तो भाई न्यूट्रल ही होने वाला है। वे नीले को लाल में बदल देते हैं गाइज, ये आपका गलत हो जाएगा। नीले को लाल में बदलने का काम किसका होता है गाइज? अम्ल का काम होता है, एसिड का काम होता है। नीले को लाल में बदलेगा एसिड, ठीक है, और लाल को नीले में बदलेगा आपका बेस, लाल को नीले में बदलेगा आपका बेस, और नीले को लाल में बदलेगा गाइज आपका एसिड। तो गाइज बेस का कार्य नहीं है, तो गाइज ये जो कार्य है ये आपका एसिड का कार्य है, ऑप्शन नंबर डी। ये किसका कार्य है गाइज? ये आपके एसिड का कार्य है, अम्ल का कार्य है। ओके गाइज, गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करते रहा करो गाइज। गाइज एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य है यदि इसका विस्थापन है। गाइज कार्य आपका जीरो है और इस पर आप कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हो, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है? W बराबर दिया जाता है F डॉट डी से। तो गाइज आपका कार्य जीरो है, F आप कुछ ना कुछ लगा रहे हो, यानी D की वैल्यू आपकी कितनी है? D की वैल्यू आपकी जीरो है, तभी तो आपका कार्य जीरो बन रहा है। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक के साथ में। W बराबर होता है गाइज F डॉट डी, या W बराबर F डी कोस ऑफ थीटा। यदि एंगल भी आपको दे रखा है तो F डी कोस ऑफ थीटा लगा सकते हो आप। एंगल की बात नहीं हो रही तो गाइज सिंपल सा F डॉट डी लगा सकते हो यहाँ पे। तो गाइज आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, तो गाइज आपका कार्य भी जीरो हो गया, क्योंकि बल तो आप लगा रहे हो कुछ ना कुछ, ठीक है, बल तो आप लगा रहे हो, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब कार्य आपका जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका, जो प्रिमेटिव एटमोस्फियर वाज रिड्यूसिंग बिकॉज, गाइज आपका जो आधे वायुमंडल है वो कम हो रहा है धीरे धीरे, क्यों कम क्यों हो रहा है? हाइड्रोजन परमाणु कुछ ही थे, ऑक्सीजन परमाणु अधिक थे, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, नाइट्रोजन परमाणु अधिक थे। गाइज आपका जो वायुमंडल कम हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा में थे, सक्रिय थे, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण कर रहे थे। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ऑप्शन नंबर सी, आधे वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका, जो प्रतिध्वनि है 3 सेकंड में वापस आ जाती है। गाइज ये मेरा सोर्स है, यहाँ पर मेरा डेस्टिनेशन है, ये गाइज सोर्स हो गया, ये गाइज मेरा डेस्टिनेशन हो गया, यहाँ पे साउंड गई और साउंड गाइज मेरे पास में टकरा के वापस आ गई। यहाँ पे 3 सेकंड में समय ले लिया, यानी T1 और T2 गाइज जाने और आने में, जाने और आने में उसने 3 सेकंड का समय ले लिया, ठीक है। एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की चाल गाइज 342 मीटर प्रति सेकंड है, गाइज V की वैल्यू आपको दे रखी है 342 मीटर प्रति सेकंड, तो गाइज यहाँ पे दूरी ज्ञात कीजिएगा, सोर्स से परावर्तन सतह की दूरी ज्ञात कीजिएगा, दूरी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। गाइज समय आप कितना ले सकते हो? गाइज यदि जाने का समय प्लस आने का समय 3 है तो गाइज एक साइड का समय हो जाएगा 3/2 सेकेंड, एक साइड यानी जाने जाने का समय हो गया आपका 3/2, मैंने आधा कर दिया, 3 सेकंड गाइज था जाने का और आने का। तो गाइज दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, चाल गाइज मेरे पास में दे रखी है 342, समय हो गया मेरे पास में 3/2। इसको गाइज मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये बन जाएगा मेरे पास में, इसका भाग चला जाएगा क्या, चलो पहले मैं गुणा कर लेता हूँ, ऊपर से गुणा कर देता हूँ, तो गाइज हो गया 3 × 2 = 6, 4 × 3 = 12, असल है 3 × 3 = 1 = 10, 1026 / 6 = 13, ये हो जाएगा मेरा 513। ओके आंसर बन जाएगा यहाँ पे मेरा 513 मीटर। सिंपल सी क्वेश्चन गाइज, आपको दूरी निकालनी है, दूरी बराबर हो गया चाल इंटू समय, चाल आपको दे रखिए 342, समय निकालना है तो गाइज टोटल समय आपको 3 सेकंड है, तो एक साइड का समय हो गया आपका 3/2, दोनों को मल्टीप्लाइड किया मेरे पास में आंसर आ गया। अच्छा एक और न्यूमेरिकल आ चुका है गाइज, देखिएगा धीरे धीरे पक्के हो जाऊंगे, साथ साथ न्यूमेरिकल भी आप लोग कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है। तो गाइज एग्जाम में किसी प्रकार का कोई जोर नहीं आएगा, इजीली आप एग्जाम क्रैक कर लोगे गाइज। गाइज यहाँ पे आपको दे रखा है 5 kg भार, गाइज आपको मास की वैल्यू दे रखी है 5 kg, वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठा रहे हो, गाइज एच की वैल्यू दे दी आपको 4 मीटर, वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के बल का मान कितना होगा? बल का मान आपसे पूछा गया गाइज, वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के बल का मान कितना होगा? अच्छा गाइज देखिएगा, सिंपल सा आपका जो बल है वो होता है एफ, और गाइज आपको ग्रेविटी के कारण इस पर कोई बल लगा रहे हो, ग्रेविटी के कारण आप जो बल लगा रहे हो वो बल हो गया एफ डॉट जी, एफ डॉट जी हो गया, ठीक है। वस्तु पर लगने वाले, गाइज क्वेश्चन में मिस्टेक आ रही है गाइज, यहाँ पर देखिएगा वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के बल का मान कितना होगा, और ये कह रहा है कि द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे गाइज पूछ रहा है कि वर्क डन, वर्क कितना होगा, और यहाँ पे कह रहा है कि बल का मान कितना होगा। तो गाइज अपन इंग्लिश पे जाएंगे, इंग्लिश को अच्छे से पढ़ेंगे, हिंदी को नहीं पढ़ेंगे, हिंदी को पढ़ेंगे तो अपना गलत हो जाएगा।
हिंदी में गाइज आपका वेलकम डन पूछ रहे हैं, इंग्लिश में आपका वर्क डन पूछ रहे हैं। तो गाइज वर्क किसके कोई भी वस्तु का ऊपर की तरफ उठा रहे हो तो आपका जो कार्य होता है वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी से दिया जाता है। और वर्क इक्वल टू गाइज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है MgH। गाइज वस्तु का आप ऊपर की तरफ उठा रहे हो, ऊपर की तरफ उठा रहे हो तो गाइज यानी आपकी ग्रेविटी माइनस जी हो गई इनटू एच। एम की वैल्यू गाइज आपको 5 दे रखी है, जी की वैल्यू गाइज आपकी 10 हो गई, एच की वैल्यू गाइज आप 4 मीटर तक उठा रहे हो, 4 हो गया, ये हो गया माइनस का 200 और जूल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा गाइज, माइनस का 200 जूल। माइनस क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ उठा रहे हो यानी ग्रेविटी के अपोजिट उठा रहे हो, तो इसलिए माइनस 10 किया मैंने, तो आंसर निकल के आ गया गाइज मेरा माइनस 200 जूल। गाइज एक तत्व है कौन सी अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है, गाइज समझ में आ रहा है तो बता दीजिएगा, न्यूमेरिकल भी हमें धीरे धीरे समझ आ रहे हैं, हम इजीली एग्जाम निकालेंगे। गाइज एक तत्व किस अवस्था में आने पर स्थिर प्राप्त करता है, गाइज कोई भी एटम है इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, बाहर इसकी कक्षाएं होगी KLMN, ठीक है। स्टेबिलिटी कब आएगी, जब इसका आउटर कक्ष है वो बिल्कुल स्टेबल रहेगा यानी कंप्लीट भरा हुआ होगा। और गाइज आपका जो आउटर कक्ष है कंप्लीट कब भरा होगा, जब उनकी आउटर सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे या 18 होंगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर केवल एक डुप्लेट होता है, केवल एक ऑक्टेट होता है, डुप्लेट या ऑक्टेट कुछ भी हो सकता है, आउटर के अंदर या तो 2 हो गए या आपके 8 हो गए, डुप्लेट का मतलब 2, ऑक्टेट का मतलब 8। तो गाइज स्टेबिलिटी कब मिलेगी, जब उसकी बाहरी कक्षा के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 या 8, ठीक है। तो एक एलिमेंट है वो स्टेबिलिटी प्राप्त करेगा जब कौन सी स्टेट में होता है, डुप्लेट और ऑक्टेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका यहाँ पे देखिएगा, गाइज आपके पास में मान लीजिएगा कोई ग्रह है, तो गाइज ये तो होगी मेरे पास में पृथ्वी, और गाइज ये मैंने मान लिया कि कोई मेरे पास में ग्रह है। एक मान लिया कि कोई ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों की पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दुगने हैं। गाइज पृथ्वी का द्रव्यमान एम है और गाइज पृथ्वी की जो रेडियस है वो आर है। कंसिडर ए प्लेनेट हुज मास एंड रेडियस आर अबाउट ट्वाइस द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। तो गाइज इसका जो मास है वो बन चुका मेरे पास में 2m, और गाइज इस जो प्लेनेट है इसकी रेडियस बन चुकी मेरे पास में 2r। क्यों बन चुकी, क्योंकि यह कह रहा है कि पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दोनों दुगने हैं। मैंने जो ग्रह माना उसका मास यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया। उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर एन से गुना है। गाइज यहाँ पे जी की वैल्यू जी है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू गाइज एन इंटू जी है, क्लियर है। गुरुत्वीय त्वरण गाइज यहाँ पे एन गुना है, गुरुत्वीय त्वरण गाइज यहाँ पे एन गुना है। एन का मान कितना होगा गाइज यहाँ पे आपसे बताना कि एन की वैल्यू कितनी होगी। गाइज स्पेशली जी दिया जाता है आपका जी एम बाई आर स्क्वायर से दिया जाता है, जी एम बाई आर स्क्वायर से दिया जाता है। तो गाइज यहाँ पे जी की वैल्यू आपकी कितनी होगी, जी कॉन्स्टेंट आपका एम बाई आर स्क्वायर हो गया, ओके। यहाँ पे कितना हो गया एन इंटू जी, कितना हो जाएगा यहाँ पे जी हो जाएगा यहाँ पे जी इंटू एम, एम कितना हो गया यहाँ पे 2m हो गया, आर स्क्वायर कितना हो गया 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2r है और ये 2m है, ठीक है। कितना बनेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा मेरे पास में जी इंटू 2m अपॉन में 4r स्क्वायर, ये मेरा यहाँ पे 2 आ जाएगा कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा मेरा जी एम बाई 2r स्क्वायर, यानी गाइज 1/2 हो रहा है, पहले मेरा जी था अब उसका 1/2 हो गया। आंसर क्या आ रहा है गाइज, आंसर 1/2 ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये देखिएगा 2m बाई 2r स्क्वायर है, ये था मेरा 2m बाई 2r का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2m बाई गाइज 4r स्क्वायर हो जाएगा, 2 का भाग इसमें गया 2 बार, तो बचेगा मेरे पास m बाई 2r स्क्वायर, और m बाई r स्क्वायर तो गाइज मेरा पहले से जी है, तो ये बनेगा पहले वाले जी का 1/2 हो गया, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका यहाँ पे पूछा गया है कि सोर्स रेजिस्टेंस आर इसके अंदर करंट आई है बनाए रखती है यदि प्रतिरोधक में विभवांतर वी है, इसके सिरों पे गाइज जो वोल्टेज है वोल्टेज की वैल्यू वी दे रखी है, तो टी समय में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा कितनी बनेगी। गाइज ऊर्जा आपसे पूछी गई है, गाइज हमेशा ध्यान दीजिएगा दो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, एक तो आपको एनर्जी ध्यान में रखनी है, एनर्जी किस तरीके से दिया जाता है, एक आपको पावर ध्यान रखनी है, पावर किस तरीके से दिया जाता है। गाइज हमेशा कार्य करने की क्षमता आपकी एनर्जी कहलाती है, कार्य करने की जो क्षमता है वो एनर्जी कहलाती है, कार्य करने की दर गाइज आपकी हमेशा पावर कहलाती है। अब इसके अंदर कार्य किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे गाइज, आप कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की दर को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। गाइज सिंपल सा आपका जो एनर्जी है, एनर्जी को आप लिख सकते हो पावर इंटू टी, पावर इंटू टी भी आप लिख सकते हो,
ओके गाइज, तो गाइज यहाँ पे अब देखिएगा पावर आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। या तो गाइज आपका जो पी की वैल्यू है, पावर की बात कर रहे हैं अपन, सिंपल सा पावर की बात कर रहे हैं, या तो आपका इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बात कर रहे हैं, या तो आप वी इंटू आई से रिप्रेजेंट करोगे, या आई स्क्वायर इंटू आर से रिप्रेजेंट करोगे, या वी स्क्वायर बाई आर से रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर गाइज? अब यहाँ पे आपको गाइज क्या क्या दे रखे हैं, वी और आई दे रखे हैं। तो गाइज आपकी जो एनर्जी है वो हो जाएगी वी इंटू आई इंटू टी, सबके आगे टी लगा दीजिएगा, जो भी आपका ऑप्शन मिल रहा है वही करेक्ट आंसर बन जाएगा। सबके आगे टी लगा दीजिएगा, इसको भी टी से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा, इसको भी टी से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा, इसको भी टी से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा, जो भी आपका ऑप्शन मिल रहा है वही करेक्ट आंसर बन जाएगा गाइज। जो ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, वी आई टी से। तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में, वी आई टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लगातार या एक अधिक के कारण प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार सुना जा सकता है, इकोज है गाइज। अपने को जो प्रतिध्वनि सुनाई देती है इको सुनाई देती है, क्यों? इको में बी हेड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव आर मल्टीपल। तो गाइज आंसर बनेगा परावर्तन की वजह से। अपने को जो प्रतिध्वनि सुनाती है वो परावर्तन की वजह से सुनाती है। परावर्तन का मतलब होता है कोई भी टकराई टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाती है, उसको कहते हैं परावर्तन। ध्यान रखिएगा गाइज, परावर्तन का मतलब होता है सरफेस से टकराई और उसी मीडियम में वापस चले जाना, वो कहता है आपका परावर्तन। यदि आपके मीडियम को क्रॉस कर दी जाती है और अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसको कहते हैं अपन अपवर्तन। आंसर बनेगा परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका कि जो ऑक्सीजन में जो कार्बन को जलाने पर, गाइज आप कार्बन को जला रहे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? तो गाइज ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जांपल है? तो गाइज ये आपका दहन का एग्जांपल है, कंबसन, दहन। नेक्स्ट और आज की शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन गाइज आपका, गाइज ए दो तत्व हैं ए और बी, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दे रखा है, इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा? एक बार गाइज आप पूरे एमसीक्यू देख लीजिएगा, 2000 के समथिंग अपन जो भी एमसीक्यू कवर करेंगे श्योर आप एग्जाम निकालोगे, क्योंकि गाइज कुछ क्वेश्चंस होते हैं अपन नॉर्मल एमसीक्यू कवर करें जो अपने बुक्स के अंदर है तो उनसे भी अपने को पता नहीं चलता कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम क्रैक करने का एक ही तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। तो गाइज यहाँ पे आपको बताना कि यौगिक का क्या निर्माण पड़ेगा। गाइज मेरा ए है, ये बी है, दोनों से गाइज मेरे पास में जो यौगिक बनेगा वो बनेगा ए बी। ओके गाइज, यहाँ पे गाइज 3s1 यानी इसके अंदर जो बाहरी कक्षा है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और s आ रहे हैं यहाँ पे, s का मतलब s में दो ही होते हैं, तो गाइज इसके ऊपर मैं +1 लगा देता हूँ। क्लियर है गाइज? यानी गाइज ये अपना जो एक है उसको डोनेट कर देगा, डोनेट कर देगा तो वो +1 बन जाएगा, मान सकते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे p4 है यानी इसको कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिएगा, तो इसके ऊपर मैं -2 लगा दूँ, क्योंकि 4 है, p में होते हैं आपके 6, 4 यहाँ पे आ गए, तो गाइज यहाँ पे मैंने 2 और ज़रूरत होगी, तो गाइज मैंने इस पर -2 लगा दिया। इसको गाइज मैं स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता हूँ तो गाइज मेरा बन जाएगा A2B। ओके, तो आंसर बनेगा मेरा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, A2B यौगिक कंपाउंड का निर्माण होगा। इसी के साथ में गाइज 225 MCQ अपने आज कवर हो चुके हैं। डेली बेसिस पे आप देखते रहेगा, प्ले लिस्ट में आपको सभी टोटल MCQ अब तक के मिल जाएंगे। इसी प्रकार से मैथ की सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज चल रही है गाइज। चलो अच्छे से एग्जाम क्रैक होगी आपकी, डोंट वरी। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा गाइज, थैंक यू।